नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में कुछ पर्यायवाची के लिए बात करने चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बादल का पर्यायवाची, हम पहले देखते हैं। बादल जलद, क्योंकि जिस शब्द के अंत में द को जोड़ दिया जाता है वो धारण करने योग्य हो जाता है, जैसे जल को धारण करता है बादल। बादल का पर्यायवाची जलद हुआ, नीरद हुआ, नीरद क्योंकि पानी को धारण करता है, वारिद ये भी पानी को धारण करता है, अम्बुद अम्बु मतलब पानी, जो पानी को धारण करता है उसे बादल कहते हैं, पयोद पयोद, पय मतलब होता है पानी और दूध दो होते हैं, पयोद मतलब जो पानी को धारण करता है उसे बादल कहते हैं, जलधर जो जल को धारण करता है उसे बादल कहते हैं, धाराधर जो धारा रूपी पानी बरसता है, बादल से जो पानी गिरता है वो एक धार रूपी से गिरता है इसीलिए उसको बादल कहते हैं, घटा घटाएं जो छा लेती हैं उसे बादल कहते हैं, घन मेघ, घन और मेघ जो होता है उसे बादल कहते हैं, मेघ रूपी बादल से पानी गिर रहा है, जिमूत जिमूत का मतलब भी बादल होता है, बलाहक बलाहक, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, बलाहक और जिमूत जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछ चुके हैं, जिमूत और बलाहक का मतलब बादल होता है। इसके बाद हम सर्व की पर्यायवाची की बात करते हैं। अब जैसे सर्व के पर्यायवाची का बात हम ये करते हैं, कैसे सर्व क्या क्या करता है उसके अकॉर्डिंग इसकी पर्यायवाची बन गई है। जैसे सर्व चक्षु श्रवा मतलब ये कान, ये इसमें इसको इसके पास तो कान नहीं होता, चक्षु श्रवा, चक्षु मतलब आँख, श्रवा मतलब जो सुनता है, आँख के माध्यम से जो सर्व सुनता है इसीलिए इसको सर्व कहा गया है। अकड़ इसको कान नहीं होता, किसको, सांप को कान नहीं होता इसीलिए इसको अकड़ कहा गया। उरग, उर का मतलब होता है बिल, जो बिल की तरफ गमन करे उसे उरग कहते हैं। एक उरग का मतलब होता है जो छाती के बल चले, जैसे सांप होते हैं ये सात छाती के बल चलते हैं इसीलिए इसको उरग कहा गया है। भुजंग जिसकी भुजाएं गमन करती हो, और भुजक जो अपने भुजा से गमन करता है इसीलिए इसको भुजक, इसीलिए इसको सर्व कहा गया है। ब्याल जो देखने में विकराल लगता हो, देखने में विकराल लगता हो इसीलिए भयंकर लगता हो इसीलिए इसको ब्याल कहा गया है। सूर्य दिनेश, सूर्य के पर्यायवाची दिनेश है, जैसे दिन का स्वामी सूर्य को कहा जाता है। भास्कर जो चमक पाए होता है, सूर्य में चमक होता है इसलिए भास्कर कहा गया है। मित्र एक मित्रम होता है, मित्रम मतलब सखा होता है और मित्र मतलब होता है सूर्य। शीघ्र मतलब शीघ्रता से गमन करता है, बहुत जल्दी से ये चलता है। तरणी, तरण मतलब सूर्य होता है, जो आकाश में तैरता रहता, आकाश रूपी गंगा में सूर्य क्या है तैर रहा है इसीलिए इसको तरणी कहा गया है। एक तरणी मतलब होता है नाव, जैसे नाव पानी में तैरता है तरणी बड़ा एक मात्रा होता है इसलिए इसको तरणी मतलब नाव होता है, जो जैसे नाव पानी में तैरता है वैसे तरणी सूर्य जो होता है आकाश गंगा में तैरता है। पूसा क्योंकि सूर्य हमें पोषण देता है, पोषण देता है हमारे शरीर को, ये पोषण देता है इसीलिए इसको पूसा कहा गया है। सविता मतलब सूर्य, आप लोग तो जानते हैं सविता एक सिंपल लैंग्वेज है, सविता सभी लोग जानते हैं। मार्टन अग्नि का मरा हुआ अंडा मार्टन कहलाता है, अर्थात सूर्य कहलाता है। आदित्य अदिति की आदित्य, आदित्य कैसे बना, क्योंकि अदिति अदिति धनिया, आदित्य की माँ अदिति थी तो उसमें यह प्रत्यय जुड़ने के कारण आदित्य बना, आदित्य का मतलब सूर्य होता है। दिनकर जो दिन में किरण देता हो, क्या देता है दिन में, सूर्य ही देता है ना दिन में किरण। रवि रवि मतलब सूर्य। अर्क अर्क मतलब किरण होता है, किसका, सूर्य का, जो ऊपर से किरणें आती है वो सूर्य कहलाते हैं। जैसे कमल पुंडरीक, पुंडरीक विष्णु के रूप में जाना गया क्योंकि पुंडरीक को विष्णु कमल के समान माने हैं इसीलिए पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। श्रीपद श्रीपद लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को प्री था क्या कमल इसीलिए इसको श्रीपद कहा गया है। राजीव राजीव मतलब कमल होता है, जब राम भगवान चल रहे थे तो इसीलिए उन्हें कहा गया राजीव लोचन राम चले, अर्थात राजीव मतलब कमल। अरविंद अरविंद मतलब भी कमल होता है। अब्ज जो जन्म लेता है कहाँ, पानी में, अप धनजा बनता है, अप धन जा,
अप मतलब पानी होता है, ज मतलब जन्म लेता, जो पानी में जन्म ले उसे हम अब्ज कहते हैं। सर से, जो सर मतलब सरोवर तालाब में जो जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं। सरोज तालाब में जो जन्म ले उसे भी कहते हैं कमल। तोयज, तोयज मतलब पानी होता है, अर्थात तोय मतलब पानी, ज मतलब जो पानी में जन्म लेता है। नीरज, नीर मतलब पानी, जो ज मतलब ज से जो जन्म लेता है, किसमें, पानी में जो जन्म ले उसे हम तोयज कहते हैं। अंबुज, अंबु मतलब पानी, ज जो पानी से जन्म ले, जो पानी में जन्म ले उसे अंबुज कहते हैं। और जलज, जो जल में जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं, अर्थात अंबुज का और जलज का पर्यायवाची कमल होगा। अब नेक्स्ट पार्ट कल बात करेंगे। ये पहला पार्ट था हिंदी के पर्यायवाची, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं यूपी पेट के लिए। और नेक्स्ट